यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्याम जन्म यादव। आजमगढ़ तोवा में जमीन विवाद में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। क्षेत्र में फैली सनसनी। कुंवर नदी के पुल के पास एक युवक की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या। आजमगढ़ निजामाबाद थाना क्षेत्र में तोवा गांव के पास कुंवर नदी के पुल के पास एक युवक की बदमाशों ने मारकर गोली हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस निजामाबाद और सरायमल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और युवक के शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम को भेज दिया। साथ ही मामले में छानबीन में जुटी है। समाचार लिखे जाने तक हत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो सका है। वैसे ही ग्रामीण के अनुसार राहुल के परिवार का गांव के एक ही लोगों से जमीन का विवाद चल रहा था। निजामाबाद थाना क्षेत्र के थोवा गांव निवासी राहुल यादव उम्र 24 वर्ष पुत्र गंगा यादव शुक्रवार को रायनी बाजार गया था खरीदारी के बाद। वह थोवा अपने गांव जा रहा था। शाम को 7:15 करीब जैसे ही वह गांव के पास स्थित कुंवर नदी पुल के पास पहुँचा ही था कि तभी कुछ बदमाश आए और राहुल को गोली मार कर फरार हो गए। गोली की आवाज से आसपास के लोग मौके पर दौड़ कर पहुंचे। देखा एक युवक खून से लथपथ पड़ा था। लोगों ने पुलिस के साथ एम्बुलेंस को सूचना दी लेकिन जब तक एम्बुलेंस मौके पर पहुंचती युवक की मौत हो गई थी। उधर सूचना पर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल कोतवाल फूलकंड अनिल कुमार सिंह निजामाबाद थाना प्रभारी धीरेन्द्र कुमार श्रीवास्तव मय फोर्स मौके पर पहुंचे। उधर परिवार के लोगों की सूचना पाकर मौके पर पहुंच गए। राहुल का शव देखकर परिवार के लोगों में कोहराम मच गया। परिवार के अनुसार गाँव के ही कुछ लोग से जमीन को विवाद चल रहा था। मृतक बीए का छात्र था। मृतक दो भाई एक बहन सबसे बड़ा था। घटना को लेकर एसपी सिटी शैलेंद्र लाल का कहना है कि पारिवारिक रंजिश को लेकर युवक की हत्या की गई है। टीमों का गठन कर बदमाशों को तलाश किया जा रहा है। निजामाबाद पुलिस ने इस मामले के परिजन की तहरीर पर 3 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा किया है। पुलिस पूछताछ के लिए 2 लोगों को हिरासत में लिया है। अपराधियों के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का लग रहा है। आजमगढ़ मिर्जापुर से रविंद्र यादव की खास रिपोर्ट। ऐसी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ। धन्यवाद। आज शाम लगभग 7 बजे ग्राम अल्लापुर थाना निजामाबाद में राहुल यादव नाम के व्यक्ति को गोली मारी गई जिससे राहुल यादव की मृत्यु हो गई है। इस हत्या का कारण पुरानी पारिवारिक रंजिश बताया गया है। इस प्रकरण में 3 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद तहरीर प्राप्त हुई है और इसमें 2 व्यक्तियों को हिरासत लेकर पूछताछ पुलिस के द्वारा की जा रही है। गाँव में पुलिस का डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है और मौके पर पूर्ण शांति है।